एक और हर चीज़ में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जनता परेशान है। उसके साथ ही जब बात आती है मदिरा की, तो मदिरा में तय दाम से ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है। 200 रुपए के शराब को 220 रुपए में बेचा जा रहा है, 120 के शराब को 130 में बेचा जा रहा है। ये जो अधिक कमाई है, ऊपर की कमाई आखिर किसके जेब में जा रहा है? चलिए आइए यहाँ कुछ लोगों से पूछते हैं कि किस प्रकार से जो लूट मची हुई है, लगातार शिकायतें मिलती रही है कि किस प्रकार से उचित मूल्य जो दाम होता है उसके ऊपर जो है ग्राहकों से लूट की जा रही है। चलो भैया, ये शराब आपको कितने की पड़ी? ये 130 रुपये बोलते हैं, 120 का एक्चुअल में। दिखाइए रेट, दिखाइए इसमें एमआरपी। तो आपसे कितना लिया जा? तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लोगों से लूट की जा रही है। उचित मूल्य से अधिक जो है मूल्य लिया जा रहा है शराब का। शराब लिए हो, उसका बिल आपको दिया जा रहा है? नहीं, बिल नहीं दिए। बिल मंगे नहीं आप? नहीं, बिल से नहीं। बिल नहीं देते इन लोग? नहीं, बिल हमको कभी नहीं दिए। कभी नहीं दिए? तो अभी कौन सा लियो आप, दिखाओ इधर ऊपर दिखाओ। कितना कितना में लिए? 130 रुपये। 130 रुपये। और इसमें रेट दिखाएंगे ज़रा, कितना रेट? क्या वाले? 120 रुपये। इसके शराब को 130 रुपये में बेचा जा रहा है, देख सकते हैं। और आखिर पर्ची क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्यों जो है उचित मूल्य से ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा है, लेकर के है बताओगे? 230 कितना लिया आपने? 240 रुपये। 240 लिया। रेट कितना है? 230। कितने का है भैया? 230। और आपसे कितना लिया गया है? इसमें लिखा गया है 230 लिया गया है, 240। 240 रुपये लिया गया है। जी, दिया गया आपको इसका? बिल कुछ नहीं, बिल नहीं। 500 का नोट दिया मैं, उसमें 260 रुपये वापस किया गया, 240 रुपये काटा गया है। अच्छा, इसमें लिखा है 230 रुपये। कैमरा दिखा देंगे, थोड़ा करीब लाएंगे। सील रेट 230 है, लिया गया है 240।